हरियाणा एच 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। एक वार्ड का पानी मोटर से निकाल दूसरे में भेजा, विरोध के बाद रोका। एसडीएम डॉक्टर अनमोल बोली, निकासी मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं। खड़गुदा में पानी निकासी मामले में नगरपालिका ने अजीबोगरीब स्थिति बनाई हुई है। बस स्टैंड के पीछे रोहतक रोड के पानी को मोटर से निकालकर नालों में डाला जा रहा है, लेकिन उन नालों का मुंह वार्ड 2 की बस्ती में खोल दिया है, जिसे वार्ड 2 के वासी कृष्ण प्रधान की अध्यक्षता में तहसीलदार व जिला परिषद चेयरमैन मोनिका के पति पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन राजवीर दहिया से मिले। नायब तहसीलदार अशोक कुमार व पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया ने नपा अधिकारियों को मौके पर बुलाया और स्टेट बैंक के सामने नालों की सफाई तत्काल प्रभाव से करने, वार्ड 2 की तरफ खुले नाले के मुंह को बंद कराया। इसके बाद मटिंडू मार्ग पर घरों में पहुंच पानी की निकासी के लिए मौके पर जेई की ड्यूटी लगाकर जेसीबी मंगवाकर पानी निकासी के लिए निर्देश दिए। जो अवैध कब्जा धारक विरोध करे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश भी दिए। मौके पर जेई ने दोनों स्थानों पर व्यापक व्यवस्था करने के आवश्यक कदम उठाए। एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने कहा कि पानी निकासी के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरगोदा शहर की पानी निकासी व्यवस्था चौपट होने के कारण कई वार्डो में पानी भरा हुआ है। नगरपालिका चेयरमैन व पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब खरगोदा की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। खरगोदा ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन व जिला परिषद के चेयरमैन के पति राजवीर दहिया ने खरगोदा की पानी निकासी करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए और नायब तहसीलदार के साथ मिलकर खरगोदा के उन स्थलों का दौरा किया जहां पर पानी निकासी व्यवस्था चौपट थी। यही नहीं, उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि 16 जुलाई को खरगोदा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आ सकते हैं, कहीं भी पानी निकासी की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो भी अधिकारी व कर्मचारी पानी निकासी के मामले में कोताही बरतेगा उस पर गाज गिरेगी, उन्हें सस्पेंड करवाया जाएगा। पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया के जिला परिषद के एरिया में खरगोदा शहर नहीं आता है, फिर भी खरगोदा का पानी निकासी कराने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने मटिंडू रोड, वार्ड 2, खरगोदा थाना कला रोड सहित कई स्थानों का दौरा किया। वहां पर कर्मचारी व अधिकारी बुलाकर पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए, जिसके चलते शाम तक दोनों जगह पानी निकासी की व्यवस्था शुरू करवाई। पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया खरगोदा ब्लॉक ही नहीं जिले के विभिन्न गाँव में जाकर पानी निकासी की व्यवस्था करा रही हैं, ताकि किसानों ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अभी दुकान से भेज दो किसी ने भी, पैसे मैं दे दूँगा और इसका तुरंत प्रभाव से हुआ। अभी जितने भी हैं अगर उसमें भी काम निकलता आप मेरे को बताओ, माफ लो और मना रखें, ठीक है? कुछ ना कुछ मैं इसका प्रबंध कराता हूँ, लेकिन जो पब्लिक परेशान है इसको जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।